अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। आज का बड़ा अहम दिन है और अहम दिन इस तरह है कि आज ही वज़ीरे आज़म ने हलफ उठाना है और अभी आप लोग तो ये खबरें सुन ही रहे हैं कि हलफ उठाने के लिए सदर मुमलिकत तैयार हैं और हलफ उठाने के लिए वाने सदर में तैयारियां बड़ी हो गई हैं। दावतनामे भेजे जा चुके हैं और चीफ्स भी आ रहे हैं और जनाब बड़ी गज वज के आज मैं कहना कि तैयार हो के वज़ीरे आज़म साहब भी जा रहे हैं। लेकिन एक लफ्ज़ होता है मकाफात अमल, आज मकाफात अमल का दिन भी है, आज उल्टी गिनती गिनने का दिन भी है। एक और मज़े की बात तो कहते रहे चक्कर आ रहे हैं, वो अज सदर अलवी नू चक्कर भी आ रहे हैं ते वो चक्कर है जेडे इन्होंने दिते सी ते वापस आ रहे हैं। तो अज के दिन तुसी सिर्फ यह अंदाज़ा लाओ, एक मतलब एक जुगत वो मारते थे क्या नाम है ड्रामे में कि सीन खेतों में अकेली जा रही थी और पता नहीं मीम ने पकड़ कर एन गैन कर दिया लाइक किस तरह का। तो आज हम कह सकते हैं कि सदर अलवी के एन गैन होने का टाइम आ गया है। तो एन गैन होने के टाइम के सिलसिले में बड़ी अहम खबरें हैं भाईजान, एंड तक आपने इस ब्लॉग को देखना है तभी आपको समझ आएगी और इसके बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि माजरा क्या है, मामला क्या है और आइंदा के तेवर क्या हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा जिक्र कर दूँ, अभी थोड़ी देर पहले महमूद खान चकज़ई साहब उनके घर पर मुबैना एक छापा मारा गया और एक मरतबा फिर हिला और दहला दिया गया है। महमूद खान चकज़ई जो कि सदर के उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, एक बड़ी सियासी जमात के एक सदर के उम्मीदवार हैं और 9 तारीख को एक इलेक्शन होने जा रहा है। आसिफ अली ज़रदारी साहब से एक मुत्तहिदा जो एक अपोजिशन बनी है या सॉरी हुकूमत है उसके मुश्तरका उम्मीदवार। अब मसला यहाँ पर यह है कि आपने महमूद खान चकज़ई साहब के घर पर छापा मारा तो अचानक फिर हलचल तो होनी है, भूंचाल भी आना है और एक तासुर ये भी जाना है कि भाई विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले यानी 9 तारीख को इलेक्शन है और उस इलेक्शन से चंद दिन पहले एक ऐसी जमात को जो ऑलरेडी अपना एक मुकदमा ऐसे अंदाज में लड़ी कि उसको सजा धांधली हुई, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उसके कायद को जेल के अंदर रखा गया, उससे बल्ला छीन लिया गया, उसको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उसको गिरफ्तारियाँ की गई, उसके साथ बड़ी ज्यादती की गई, बल्कि एन गैन फेक ऑफ कर दिया गया। तो ऑलरेडी वो इसको लेकर इतना हाईएस्ट लेवल पर अपना मुकदमा लड़ रही है कि वो मतलब सोशल मीडिया पर तो इस्टेब्लिश कर चुकी है कि उमर अयूब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, असल वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो उमर अयूब है, ये तो जाली वज़ीर आज़म है। आपने उस जमात के कैंडिडेट के घर पर छापा मारकर इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो किया है ना, गड़बड़ है ना पीछे, टाइमिंग देखें ना इंपॉर्टेंट है, आपने दोबारा उन्हें मौका दे दिया। अब देखें फौरी तौर पर बिलावल साहब हरकत में आए, तमाम समाज हरकत में, उन सबने इसकी फौरी तौर पर बिलावल साहब हरकत में आए, तमाम सियासी जमातें हरकत में आई और उन्होंने जनाब इसकी शदीद मुज़म्मत की है और मुज़म्मत बनती भी है। भाई आज अगर महमूद खान चकज़ई नज़र आ रहा है आपको, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे ही मतलब हरकत की गई है जैसे इंतखाबात के दिनों में एक ऐसी अनदेखी लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई थी इमरान खान को जो उन्हें आज इतना कामयाब कर गई। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि अगर खान साहब का बल्ला ना लिया जाता, अगर खान साहब को जेल में ना रखा जाता और अगर खान साहब को एन इलेक्शन से चंद दिन पहले 3 सजाएं जिसमें साइफर है, जिसमें तोशा खान है और जिसमें इद्दत वाला के सजाएं ना सुनाई जाती और ये सारा जो माहौल खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का बनाया गया था ना बनाया जाता तो आज खान साहब के पास ये सीटें नहीं होनी थी। और सबसे बढ़कर अगर तहरीक अदम एतमाद लाकर उन्हें दोबारा जिंदा ना किया जाता, दोबारा उन्हें पॉलिटिकल रिवाइवल ना दी जाती तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुख्तलिफ उनके हालात होने। तो मकसद यहाँ पर यह कि ये आज एक मरतबा फिर तहरीक दोहराई गई है। तो मज़े की बात यह है कि इस टाइमिंग को भी समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए और हमारी सियासी जमातों को भी अब सियासी बलूगत का मुजाहरा करते हुए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये हो क्या रहा है। ये अगेन अनदेखी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है चकज़ई साहब को फराहम की गई है, इन्हें अगेन मौका भी दिया गया और आइंदा मुस्तकबिल के लिहाज से बहरहाल इसमें तो वो चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप खुद मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड करें और मौजूदा सियासी निज़ाम को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब आ जाए जी उस खबर की तरफ जिस खबर में मैंने आपसे कहा था कि सीन खेतों में अकेली जा रही थी, आइन ने पकड़ के मीम ने पकड़ के शीन ने पकड़ के, शीन ही होगी ना, शीन ने पकड़ के रैन गैन कर दिया, मतलब यहाँ तो शीन ही बनती है। तो आइन खेतों में अकेली जा रही थी, शीन ने पकड़ कर रैन गैन कर दिया, आइन खेतों में जा रही थी, अच्छा ठीक हो गया। तो मैं अभी आपको बताने लगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें आरिफ अलवी साहब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने पूरे टेन्योर में खान साहब की खुशनूदी के लिए अपनी ही फौज
उन्होंने मतलब बगावत करवा दी उधर, अपनी फौज पर लड़ाई करवा दी, अपनी फौज पर हमला करवा दिया। सुप्रीम कमांडर थे ना फौज के भाई, मैं तो नहीं कह रहा, मुफ्ती मौलवी महमूद साहब कह रहे हैं कि भाई इस ऐवान सदर के अंदर 9:30 की प्लानिंग हुई। मैं नहीं कह रहा भाई, मौलवी महमूद ने कहा। तो यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द पाक फौज, उन्होंने ये हमला करवा मतलब इस पर हमला करवाने के लिए इन्होंने अपना दफ्तर इस्तेमाल किया। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि एक एक करके आप तमाम सदर मुमलिकत के वो कहते हैं कि टेन्योर को देखेंगे तो उसमें उन्होंने बेसिकली क्या किया था, उन्होंने इमरान खान के एक सिपाही की हैसियत से, खिलाड़ी की हैसियत से, इमरान्डू की हैसियत से, या फिर आप इसे कह लें कि मतलब लौंडे लपाड़े की हैसियत से, माजद के साथ और कौन सा लफ्ज बोलते हैं पता नहीं मुझे तो, खैर यूथी की हैसियत से उन्होंने एक्ट किया है। ही नेवर एक्ट लाइक ए प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही नेवर एक्ट लाइक प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डज इट मीन? छोड़ दिया जाएगा भाई? और भाई आर्टिकल 6 लगने की तैयारियां हो रही हैं उन पे, इस वक्त आर्टिकल 6 लगने की तैयारियां हो रही हैं, कौमी असम्बली तोड़ना, नेशनल असम्बली का इजलास ना बुलाना, और इस पूरे अरसे के दौरान आप देखें कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस का लाना, फिर बाद में उस पर यूटर्न लेना, फिर बेतहाशा ऐसे बिल जिसमें उन्होंने खान की पॉलिटिक्स को आगे लेकर जाते हुए इस मुल्क के हवाले से उन्होंने जनाब वो सारा अंजाम तक पहुँचाया, मतलब जो भी किया, तो क्या छोड़ा जाएगा? नहीं छोड़ा जाएगा ना। उन्हें धमकी दी गई थी जिसकी वजह से उन्होंने फिर, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है भाई, इस वक्त भी सदर साहब को हुक्म है कि आपने हलफ नहीं लेना, लेकिन सदर साहब हलफ ले रहे हैं, इमरान खान की बात को जूते की नोक में रख रहे हैं और हलफ ले रहे हैं। इमरान खान कह रहे ना लो जराए, कहते हैं वो कहते हैं जी हम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि अब बस सदारत का वो ठप्पा हटने की देर है, उसके बाद वो सारे कानून पर लागू हो जाएंगे। ये जो बदकिस्मती है ना कि वड्डे ने तुसी फाड़ नहीं सकते, वड्डे तो वड्डे लित्तर मैंने चाहिए ने वड्डे आस्ते, तो मैं कहना वो लित्तर जड़ा खास तौर से थाने वाला होता है वो होना चाहिए, जिन्ना वड्डा उन्ना वड्डा लित्तर, ये है कामयाबी का राज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर देखें जी, जिन्ना वड्डा उन्नू इम्यूनिटी, ऐ की गल हुई, इसीलिए हम नाकाम हैं, हदीस के मुताबिक भी इसलिए हम नाकाम, कि जब किसी बड़ा को जुर्म करता है तो छोड़ दिया जाता, छोटे को पकड़ के रगड़ दिया जाता। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि इस वक्त ये जो जेस्चर दे रहे हैं ना, नेशनल असेंबली का इजलास नहीं बुलाना था लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने बुला लिया इमरान खान की मर्जी के खिलाफ, फिर उन्होंने आज का हलफ ले रहे हैं इमरान खान की मर्जी के खिलाफ। तो इसका एक और मैं आपको इम्पैक्ट और बता दूँ कि वो एक जेस्चर दे रहे हैं, प्रैक्टिकल जेस्चर दे रहे हैं कि प्लीज़ मामला को सेट कर लें हमें, और सदर सदारत से उतरने के बाद हमारे लित्र परेड ना की जाए, ठीक है जी। तो मुझे लगता है, मतलब मेरा एक ज़राए हैं ऐवान सदर के अंदर जो सुन गुन मुझे हुई है उसमें खासी गर्मा गर्मी भी हुई है अलवी साहब और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के बेरिस्टर गौर और दीगर लोगों के साथ। अच्छा, तो अलवी वैसे ही बड़े सीनियर हैं और ये जो बाकी इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और ये जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, इनसे बहुत कई गुना निचले दर्जे की लीडरशिप थी ना, ये तो शायद नाम भी नहीं जानते थे इनके जब तक ये तहरीक इंसाफ में रहे हैं। तो वो तो इस मौजूदा हालात में इन्हें ऊपर आने का मौका मिल गया क्योंकि तमाम क्रीम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गई या जो भी सारा कुछ था। तो मकसद यहाँ पर ये है कि इस लीडरशिप के साथ बात करना वो अपनी तोहीन समझते हैं, लेकिन उन्हें करनी पड़े। फिर जब उन्होंने पकड़ कर इन्हें मतलब सुना दी खान के बिहाफ पर तो वो भी तप गए, भाई तू है कौन भाई, बैरिस्टर गौहर मतलब कौन, ठीक है हो गए चेयरमैन लेकिन मैं एक सीनियर मेंबर, मुल्क का प्रेसिडेंट, मतलब ये जब तक बैरिस्टर गौहर साहब आगे नहीं आए, मतलब ये सारा मामला नहीं हुआ, तो ये तो नाम भी थे तो इन्हें जानते थे उनका। तो ये सारा मरहला और माजरे में आज अलवी साहब जो हैं, जो पहले ही गुड बुक में नहीं है इमरान खान की, इतना कुछ करके भी खान की गुड बुक में वो नहीं है, तो अब वो मेरे ख्याल से घर वालों ने भी समझाया कि भाईजान हाथों होला रखो। और दूसरा मैंने आपसे जिक्र किया कि इस वक्त इंतखाबात हो गए हैं और अब बस ये वो चक्कर हैं जो वापस आ रहे हैं, और अब मेरे ख्याल से वो जो कुछ कदगनें थीं, कुछ रुकावटें थीं, कुछ चीज़ें थीं, अब पूरी दुनिया तस्लीम कर रही, मुबारकबादें दे रही है, अब सिस्टम स्टार्ट होगा। अब सिस्टम स्टार्ट होते हुए जनाब उस एहतसाब की तरफ उम्मीद बढ़ेगा। ऐसा लक्ष्मी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।